हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में बहुत ही रिच ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे हम ओकेजनली भी बना सकते हैं, त्योहारों पे भी बना सकते हैं, और जब भी मन हमारा सेलिब्रेशन का हो तब भी हम इस रेसिपी को यूज़ में ला सकते हैं। ये रेसिपी रिच होने के साथ में हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको बनाते समय या इसको खाते समय भी जो फीलिंग आता है वो लाजवाब होता है, जिसको हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में कश्मीरी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप इंग्रेडिएंट देख ही पा रहे हैं मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है फ्रेंड, ये जो बॉल है हमारा पीले कलर का, उस बॉल से मैंने यहाँ पर चावल भीगने के लिए रख दिए हैं। इसको भीगते भीगते 25 मिनट के करीब हो गए हैं। इसे 4 से 5 पानी से धोकर मैंने भिगाने के लिए रख दिया था। भिगाते समय पानी थोड़ा अच्छा डालें जिससे कि अच्छे से भीग सके। तो इस तरह से हमको ये चावल यहाँ पर लेना है। तो मैंने बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस यहाँ पर लिया हुआ है। तो इस चावल को अभी हम कुक होने के लिए रख देंगे। इसके पहले मैं आपको बाकी की प्रोसेस बता देती हूँ। यहाँ पर एक मोटे तली वाली या पेंदे वाली मैंने पेन लिया हुआ है और गैस ऑन कर देंगे। जब तक हमारा पेन गरम हो रहा है मैं आपको यहाँ पर राइस के लिए जो इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं पुलाव के लिए वो यहाँ पर बता दूंगी। तो हमको यहाँ पर शाही जीरा लगने वाला है जो टेबल स्पून के हिसाब से, जो खांदा चमचा लिया हुआ है, 2 बेलीव्स ली है, 2 से 3 मैंने, 4 इलायची ली है हरी वाली, 4 से 5 लौंग ली है, 1 स्टार फूल लिया है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, को बाद में शुगर और केसर भी लगने वाली है। अभी पैन हमारा गरम हो चुका है, गैस फ्लेम लो कर दूंगी मैं। और यहाँ पर मुझे क्लेरिफाइड बटर ऐड कर देना है। होममेड क्लेरिफाइड बटर है जिसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और मैंने दूध प्रोडक्ट के नाम से उसे बनाया हुआ है और खूब काफ़ी सारे प्रोडक्ट वहाँ पर बना के बताए हैं एक ही वीडियो में। तो इस तरह से मैं यहाँ पर उसे 2.5 चम्मच के करीब, टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे बेलीव्स डाल देनी है, उसके बाद मैं शाही जीरा डाल दूँगी, दालचीनी का टुकड़ा डालना है, स्टार फूल डालना है, लौंगे डाली है और इलायची डाल दूंगी। इसको हल्के से सौते कर लेना है। हो चुके हैं फ्रेंड। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, राइस लेना है, उसे निथार लेना है हमको पानी, और निथरा हुआ चावल यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी। इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है और इसे हम हल्के हाथों से घुमा लेंगे, या जिससे थोड़ा भूनना भी कहेंगे। ऐसा करने से चावल का टेक्सचर बहुत अच्छे से आता है पुलाव में, स्पेशली कश्मीरी पुलाव में। चावल को सौते कर लिया है, अब हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। तो हमने जो बॉल लिया हुआ है इसी बॉल से हमको पानी यहाँ पर ऐड करना है। जितना चावल लेते हैं उसका मेज़रमेंट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, जो कॉर्न राइस का वीडियो है, उसमें भी बताया हुआ है। तो उसका हमको डबल पानी ले लेना होता है। तो मैं एक बॉल यहाँ पर पानी ऐड कर दूंगी। हमने यहाँ पर एक बॉल मिल्क लिया हुआ है। इस एक बॉल मिल्क में से मुझे आधा मिल्क यहाँ पर ले लेना है, भुना किया हुआ मिल्क है। तो इस तरह से ये आधे मिल्क को यहाँ पर ले लिया है मैंने, और आधा मिल्क है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अति में थोड़ी शुगर 1 टेबलस्पून ली है, उसको भी ऐड कर दिया है। हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे, थोड़ी लो से मीडियम कर दी है और इसे मैं ढाक दूंगी। और हमको इसे 8 मिनट तक के लिए स्टीम होने देना है। अभी जो आधा दूध लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर मुझे केसर ली हुई है, जो हमने केसर के थ्रेड लिए हुए हैं, ये देखिए, तो उसको मैं
8 से 10 धागे इस दूध में मिक्स कर दूंगी। चावल को स्टीम होने के लिए रखते हैं, उस समय आपको लीड खोल के देखना नहीं है, आपको 8-7-8 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढककर रखना है। अभी इस राइस के पैन को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र कर दूंगी। कर देंगे, यहाँ पर मुझे फिर से 2 टेबलस्पून के करीब घी या क्लेरिफाइड बटर ऐड कर देना है। हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 7 से 8 मैंने अखरोट के पीसेस लिए हुए हैं, काजू के 10 से 12 पीसेस लिए हैं, और 12 से 15 मैंने बादाम ली है, और पिस्तेचू लिए हैं जो कि 20 के करीब इसके दाने हैं। तो पिस्तेचू छोड़ के हमको बाकी सभी ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले काजू ऐड कर दूंगी। ब्राउन कलर में फ्राई करना है इसे। काजू फ्राई हो गए हैं, इसे मैं निकाल लूंगी। वॉलनट भी फ्राई हो चुके हैं, बादाम भी फ्राई हो चुकी है। 8 मिनट हो चुके हैं, राइस को हम देख लेंगे। तो देखिए काफ़ी सारा ये कुक हो चुका है, थोड़ा कड़क है दाना। तो अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मलाई, यहाँ पर हम 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या मलाई ऐड कर देंगे। चला दूध लिया है उसको ऐड कर देना है। इसे हमें 3 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। तो ऐसे हमको 11 से 12 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए रखना है। फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, हमको पिस्ता फ्राई नहीं करना है, उसे कैसे गार्निशिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। अभी मैंने 2 प्याज यहाँ पर लिए हैं, और इस प्याज को इस तरह से तिरछा तिरछा मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसके खुला कर लेना है और इसे ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। प्याज को मैंने खोल लिया है, देख पा रहे हैं आप, गैस ऑन कर दूंगी, ज़रूरत नहीं है। ये घी अच्छे से गर्म हो चुका है, आप इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइसेस फ्राई हो रही है, अभी हम चावल चेक कर लेंगे क्योंकि 12 मिनट के करीब हो चुके हैं। देखिए अच्छे से स्टीम आ रही है और ये अच्छे से पक गया है चावल। इसे फिर से हमें ढक के रखना है, गैस बंद कर देनी है, और गैस बंद करने के बाद में आप इसे 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। ये पुलाव होने की वजह से हमें यहाँ पर फ्रूट्स भी लगते हैं, तो इस तरह से मैंने 1 अनार के दाने निकाल लिए हैं और इसे अच्छे से पानी से धो लिया, जिससे इसका सफ़ेद सफ़ेद पार्ट जो होता है इसमें चिपका हुआ तो वो निकल जाता है। यहाँ पर 1 एप्पल लिया है जिसे मुझे काट लेना है, मैंने पहले काटा नहीं है इसे, क्योंकि प्रोसेस करने तक क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और जिसकी वजह से वो लाल या ब्राउन होने लगता है। तो इसलिए आप वक्त पे ही इसे काटें जब हम चावल। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, बस हमें यही कलर चाहिए तो पुलाव में बहुत अच्छा सा दिखता है। गैस ऑफ कर दी है मैंने, और अभी मुझे क्या करना है, इसे निकाल लेना है। कोशिश करें कि इसका शेप ना बिगड़े, वैसे ही रहे। ये सेब को भी मैंने यहाँ पर इस तरह से पीसेस में काट लिया है। अभी हम चावल को चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से स्टीम निकल रही है इसकी। अभी हमें इसे ओपन कर लेना है, हल्के हाथों से करेंगे हम ये प्रोसेस। देखिए बहुत ही बढ़िया खिला खिला बना है। पक गया है चावल,
अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं वो यहाँ पर ऐड कर देना है। काजू ऐड कर दूँगी, बादाम ऐड करना है, अखरोट डाल देनी है, कुछ मैं यहाँ पर गार्निशिंग के लिए रखने वाली हूँ, और जो हमने प्याज लिया है उसे भी मिक्स कर देना है। अब ये सारे चावल, अनार के दाने और सेब और पाइनएप्पल भी ऐड कर दें, और आपके मनचाहे फ्रूट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने मिक्स कर दिए हैं, ये वन मील रेसिपी है फ्रेंड, और इसके साथ में हमको एडिशनल कुछ लगेगा तो इसके रायते के साथ में, या जब महाराष्ट्रियन क्वेश्चन बिर की रेसिपी होती है उसके साथ में हम शेयर करते हैं। तो रायते का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, साथ ही क्वेश्चन बिर का भी है। नेक्स्ट वीडियो पर पिस्ता भी गार्निश कर दिया है, और सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, और ये पुलाव सर्विंग के लिए निकाल लिया है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा सा महसूस हो रहा है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड ये हमारा कश्मीरी पुलाव रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप निश्चित ही किसी भी ओकेज़न पे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ में, मेहमानों के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और नए फ्रेंड जो मेरे चैनल पर पहली बार आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। खुश रहें, प्रसन्न रहें, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक।